ये सौभाग्य अपने लोगों को स्वाभाविक प्रियाजू की कृपा से मिल गया कि वो हमारी इष्ट हैं, राधे वेष्टम, वही हमारे इस सत मार्ग के प्रकाश करने वाली हैं, राधा वल्लवीय। वल्लवीय हमारे यहां वल्लभ है राधा, प्रीतम है राधा, प्राणनाथ है राधा, और मार्ग को ही संप्रदाय कहते हैं, सुदृढ़ मार्ग, जैसे सरकार के द्वारा बना हुआ राजमार्ग जिसे पहले जीटी रोड कहते थे, अब क्या कहते हैं पता नहीं, जो बहुत है हा हाईवे, जो हम तो गांव की भाषा में से जीटी रोड कहते थे। ये वो सुदृढ़ संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। बोले कहां जा रहा है, बोले सीधे निकुंज जा रहा है, कहीं मोड़ नहीं है इसमें। राधा वल्लभीय, वल्लभ है जहां की राधा, मेरे प्राणनाथ श्री राधा, श्री श्यामा प्यारी जो इस मार्ग की प्रकाशक स्थापना करने वाली श्री स्वामिनी जी, राधे वेष्टम संप्रदाय करता, आचार्यों अपने मार्ग का स्वयं उपदेश करने के लिए वही हित सजनी है, दूसरा कोई नहीं, हित सजनी, वही हित प्रेम सखी के रूप में, वही हित प्रेम आचार्य के रूप में, वही हित प्रेम गुरुदेव के रूप में। मंत्र दहा, मंत्र का दान करने वाली श्री किशोरी जू ही है, निज मंत्र स्वयं स्वामिनी जू ने श्री हितजू महाराज को प्रदान किया। मंत्र दह, मंत्र दाता, सदगुरुश्च परम सदगुरु श्री लालजू महाराज हैं, कृष्णे वंदम जगद्गुरु, ऐसे कृष्ण की वंदना करता हूं जो जगद्गुरु स्वरूप में विराजमान हैं, चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्मयोग हो, सबके गुरुदेव श्री कृष्णचंद जो हैं, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मार्ग का, किसी भी भाषा का हो, गीता जी का आश्रय लेता ही है। गीता जी श्री जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई है, जैसे वेद श्वासों से, ऐसे वाणी से गीता जी, श्री जगतगुरु भगवान की वाणी है गीता जी, कोई ऐसा नहीं है विश्व में जो गीता जी को न मानता हो। गीता जी के व्याख्या उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने की, हर संप्रदाय के महापुरुषों ने की। हमारी सदगुरु श्री स्वामिनी जो ऐसी हैं कि ऐसे आचार्यों को भी उपदेश करने वाले जगतगुरु भगवान को शिक्षा प्रदान करती है। नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम की, विविध की प्रेम विलासों की, वो बाहर के नहीं जान सकते, सच्ची मानिए ये केवल सखियां जानती हैं। इसलिए सर्वोपरि जगत गुरु पद में सर्वेश्वरी राशेश्वरी श्री लाडली जो है हमारी, राधेविष्टम संप्रदाय करता आचार्यो मंत्रदह सदगुरुश्च मंत्रो राधा, मंत्र भी स्वयं श्री किशोरी जो है, जो मंत्र है वो स्वयं किशोरी जो है, सच्ची मानिए ये जो आपको नाम मिला, जो शरणागत मंत्र, जो निज मंत्र, ये स्वयं किशोरी जो है, जिभ्या पे विराजमान मेरी लाडली ही नाम मंत्र के रूप में है, ऐसे प्यार से भजो। तो गौराश्रय, यहां बिना गौराश्रय के आप ना वृंदावन को जान सकते हैं, ना वृंदावन के महाप्रेम समुद्र रस को जान सकते हैं, ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं, चाहे वो आप शास्त्रज्ञ हो, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हो, बिना वृंदा उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मतवाले हुए हैं वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है,
किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री सामंत सेना के पति वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कि ज्ञान रूपी उसका मंत्री वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम, आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं इतना कष्ट आवे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं है, किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं भगवान छूट जाते हैं, हम मानते हैं भजन का प्रयास करते हैं लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए चाहे वो भोजन हो रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा पर आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया विपत्ति आई भूल गए, सुख आया संपत्ति आई भूल गए प्रभु। मर चाहे जाए हम किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते, इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या, ये चाहे विपत्ति दुख मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं, हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिलने पर जिस आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता उसे भक्त कहा गया है, महाभागवत कहा गया। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में लेकिन भगवत विस्मरण नहीं है। प्राण निकल जाए पर भजन नहीं छूटेगा, इसे ही भजन कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई करता है। पूज्य बाबा के सब कर सकते हैं, सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। इसका यही कारण है, भजन का तात्पर्य है भजन में गोता लगाना, डूबना, बस चल रहा है मंत्र नाम उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने, डूब करके गोता लगाया 6 महीने भजन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और अगर तन्मयता नहीं है भजन में तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपए की गणना का सुख करने लगेगा। कई बार हमने कहा बचपन से इसी बात की पढ़ाई है मन की वृत्ति की, आप देख लेना अनुभव करना। अगर आपको
प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आप का अर्थ के प्रतिभाव आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में कितना ईश्वर है और वो मायाकृत एक पलक झपकते श्री भगवान ने रचा है, ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे तो और फिर क्या। पर उस भजन न होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती, आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया, पलट गए फिर वही आश्रय कर लिया। षण्मुखता से जो एकदम परिवर्तन होता है, एकदम विमुखता के लिए माया अपना जाल रचती है। स्पष्ट देख तू इससे एक बहुत बढ़िया महल बना सकता है, तू बहुत बढ़िया कार ले सकता है, तू हर सुख सुविधा ले सकता है, राजी हो गए, देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। नहीं नहीं, हम व्यवस्था बढ़िया नहीं बनाने आए, हम व्यवस्था को श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली जी के महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बात, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है।